हेलो फ्रेंड्स, आपका अपनी रेखा नारायण वुमेन एंड बेबी केयर चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उससे आप पर और आपके होने वाले बच्चे पर क्या असर होगा। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया है तो क्या खतरा हो सकता है, क्या आपको और आपके होने वाले बच्चे को नुकसान दे सकता है। जब भी यूरिक एसिड बढ़ता है तो हालांकि जो प्यूरिन जो भी हम खाते पीते हैं वो प्यूरिन एक तत्व होता है, वो बनता है और किडनी जो है उसको साफ करती रहती है। कई बार जो ऐसा होता है कि यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जब किडनी भी उसको साफ नहीं कर पाती और वो असमर्थ हो जाती है उसको साफ करने में। तो बहुत दिक्कत होती है जब यूरिक एसिड बढ़ता है, क्योंकि यूरिक एसिड एक क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है और जो कि आपके जोड़ों में जो है जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपको गठिया या आर्थराइटिस कहते हैं वो हो जाता है। और अक्सर प्रेगनेंसी में कई महिलाओं को ये शिकायत होती है कि उनका यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो उस चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, तो ये और बच्चे पर उसका क्या असर होगा। तो जब भी आपको लगे या आपको पता चले यूरिक एसिड बढ़ गया, क्योंकि उसमें थकान बहुत ज़्यादा होती है, काम करने का मन नहीं करता, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा है, हल्का फुल्का दर्द अक्सर प्रेगनेंसी में होता है, उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप टेस्ट कराते हैं और यूरिक एसिड का स्तर आपका बढ़ा हुआ, हालांकि ये बहुत कम मिलता है लेकिन फिर भी कई महिलाओं का जो बढ़ जाता है, तब आपको क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने से क्या दिक्कत आ सकती है। यूरिक एसिड बढ़ने से जो महिला है उसको जो है बीपी हाई रह सकता है और साथ ही साथ शुगर यानी डायबिटीज़ की शिकायत बढ़ जाती है यूरिक एसिड के बढ़ने के साथ साथ, जो कि आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है और बच्चे का भी जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यूरिक एसिड बढ़ने से आपके साथ साथ आपके होने वाले बच्चे को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो अब हम जानते हैं कि यूरिक एसिड को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। एक बार हो तो जाता है, लेकिन बीमारी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो आपको मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोटिवेट हैं कि हमें इस चीज़ से उभरना है तो आप किसी भी बीमारी से आप उभर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप खुद को मोटिवेट कीजिए। दूसरा जो है योगा सुबह उठकर जरूर करें, मेडिटेशन करें, प्राणायाम वगैरह जो आप के जो अगर आपके आसपास कहीं जो योगा सिखाते हैं आप उनसे सीखिए और योगा जरूर कीजिए। बहुत बहुत ज़्यादा फायदा देता है योगा इस समय। और दूसरी चीज़, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, अपने खान पान को जो है चेंज कीजिए। कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप पानी पिए, क्योंकि यूरिक एसिड का बहुत बढ़िया इलाज एक पानी पीना भी है। क्योंकि आप पानी पियेंगे तो आपके यूरिन के जरिए जो है यूरिक एसिड काफ़ी मात्रा में जो है निकल सकता है। अब अगला जो आता है, आपके खान पान में आप क्या चीज़ें शामिल करें यूरिक एसिड को कम करने के लिए। आप डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दही, छाछ, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। और जो सब्जियां जो बहुत बढ़िया सुपर फूड हैं, टमाटर और पालक, दोनों ही यूरिक एसिड को कम करने में बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आप इसको जो है अपनी डाइट में शामिल कीजिए। यूरिक एसिड से कई बार हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसका सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो टेंशन वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों से आप दूर रहें, बहुत रिलैक्स रहें और हेल्दी फूड खाएं। और जो है डिब्बाबंद चीज़ें जैसे बिस्किट है, नमकीन है, चिप्स हैं और जो भी आपके प्रोसेस्ड फूड हैं वो आप बिल्कुल भी ना खाएं। मतलब आपको डिब्बाबंद चीज़ों से परहेज करना है तो आप डिब्बाबंद चीज़ों को ना खाएं, तो बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, यूरिक एसिड जिनका बढ़ गया है, वो थोड़ा सा अपना चेंज करके जो है अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकती हैं। तो आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। और जो भी चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम वीडियो देखते हैं और उसको आगे कर देते हैं और हम जो है सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए
और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।